Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So if you are new to my channel, hi, my name is Sakshi Agrawal and I would like if you take a moment and subscribe to my YouTube channel below and press the bell icon so you never miss an update from my channel. आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। एंड आज जो हम टॉपिक लेंगे उसके बारे में मैं आपको कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और इट्स वेरी शाइनी टॉपिक, दैट इज़ ऑल अबाउट आवर पीरियड्स एंड ऑल अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स, की वॉट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये हमें ही नहीं पता होता है। सो दिस इज़ द स्पेशल वीडियो ऑन हाउ वी कैन सेव अ वुमन फ्रॉम अ साइलेंट किलर। एंड इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैंने अपनी फैमिली में लिया है। सो स्टे ट्यून टू दैट रिजल्ट, कि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो जो वो मैं भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो आज जो हम टॉपिक्स लेने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स, कि मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट आर द सैनिटरी नैपकिन्स। सो आई हैव अ वेरी ब्रांड सैनिटरी नैपकिन विथ मी, दैट इज़ XYZ, एंड XYZ ब्रांड को मैं अपने ब्रांड से कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ एरीज सैनिटरी नैपकिन। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैनिटरी नैपकिन, सो लेट्स थ्रू अ डेमो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। सो लेट्स हैव अ बिट नॉलेज अबाउट दिस, कि इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। सो जब हम मार्केट में जाते हैं या किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं तो मैंटेलिटी ये होती है, क्योंकि बहुत शाइनी टॉपिक है तो ज़्यादा कोई बात करना नहीं चाहता, तो हम मेडिकल में जाते हैं, वहाँ पे जो भी शॉपकीपर होगा, हम लेडीज़ जो होते हैं वो उन्हें भी एक्शन करके मतलब बोलते हैं, बट इसमें क्या है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। सो दिस इज़ अ ब्रांड एंड मैंने समझो यहाँ से इसे ओपन किया एंड आई जस्ट रिमूव वन पीस। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप ये तो खोल लिया, अब इसे कहीं से हम पैक कर पाएंगे, बिकॉज ये तो वापस एक महीने बाद लगेगा। तो इस जब हम ये कहीं छुपा के वगैरह रख देते हैं या यहाँ वहाँ रख देते हैं तो इसमें कितने बैक्टीरिया जाएंगे। दिस इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड, सो दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट मैंने जो अभी आपको बताई। सेकेंड इज़ आर एरीज सैनिटरी नैपकिन, आप इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हो, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। सो यहाँ से एक सील पैक होता है, वी हैव टू रिमूव दिस एंड यू कैन सी, जब मैंने ये रिमूव किया इसमें आप ये देख पा रहे हो दिस इज़ सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम मार्केट से खाना लाते हैं सिल्वर फॉइल में, बिकॉज दैट कीप्स द फूड फ्रेश। तो कंपनी ने भी ऐसे ही इसमें सिल्वर फॉइल रखा है टू कीप द फ्रेशनेस ऑफ द सैनिटरी नैपकिन। एंड मैंने इसमें से भी एक रिमूव किया एंड वी कैन जस्ट क्लोज दिस लाइक दिस। सो इसमें कोई बैक्टीरिया भी नहीं जाएगा और इसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। सो दिस इज़ वन, वी कैन से अदर कंपनी 0 point एंड आर ब्रांड गेट्स 1 point फॉर दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द पैकेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट नाउ आई हैव टू दिस एंड दिस इज़ द मार्केट ब्रांड एंड दिस इज़ माई सैनिटरी नैपकिन। सो अब हम इसे रिमूव करेंगे एंड डेमो करके देखेंगे कि व्हाट आर द गर्ल्स आउट देयर यूजिंग एंड व्हाट दे शुड यूज़, बेसिकली व्हाट आर द फैक्ट्स, बिकॉज गर्ल्स नेवर थॉट, आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी लड़की ने इस बारे में कभी सोचा होगा या कभी देखा होगा कि वो क्या यूज़ करते हैं, उन्हें भी आई गेस नहीं पता होगा। एंड इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ, द पैकेजिंग यू कैन सी इज़ टोटली क्लोज है एंड पैक्ड है। तो इसका भी हम रिमूव करते हैं एंड लेट्स जस्ट सी द डेमोन्स्ट्रेशन, कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट द गर्ल्स डोंट नो अबाउट इट। एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट विद इन अ मिनट कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आई थिंक इसका नॉलेज सबको होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द साइलेंट किलर, कि ये साइलेंटली दिस इज़ किलिंग मैनी वुमन्स। सो दिस आर द टू ब्रांड्स जो मैंने लिए हैं एंड इफ़ यू
कैन सी दिस इज़ वेरी रफ, ये एक्चुअली बहुत रफ है स्किन के लिए, क्योंकि एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट बिकॉज दिस इज़ कॉटन, दिस इज़ टोटली अबाउट कॉटन। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि ये वाला जो मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन है ये वाला, दिस इज़ मेडअप ऑफ 3 लेयर्स एंड दिस नैपकिन इज़ मेडअप ऑफ 8 लेयर्स। सो 8 लेयर्स कैसे है, क्या है, आई वुड लाइक टू शो यू ऑल दैट। सो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लेडीज़ को जो फर्स्ट फ्लो होता है वो अराउंड 40-50 ml होता है। सो आई हैव टेकन, इफ़ यू कैन सी हियर, आई हैव टेकन 40 ml ऑफ वाटर। सो अभी ये मैं सैनिटरी नैपकिन पे डालूँगी जो मार्केट का है। सो लेट सी, बिकॉज बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स ये कहते हैं कि अगर आपने देखा होगा पहले के जो एडवर्टाइजमेंट होते थे कि दो फ्रेंड्स नदी किनारे बैठे होते हैं और उसमें से एक सैनिटरी नैपकिन गिरता है और वो पूरा लेक का जो पानी होता है वो पूरा सोख लेता है। ओके, सो ऐसा कभी, आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा रियलिटी में होता होगा। एडवर्टाइजमेंट्स आर जस्ट मेक अस सो फुलिश कि पूछो ही नहीं। तो मैंने अदर वापस मैंने 40 ml ऑफ वाटर लिया है बिकॉज वन फ्लो जो होता है वो 40 ml तक का होता है, ऐसा WHO का कहना है। और ये मैं अपने ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन पर डाल रही हूँ। सो लेट सी वॉट हैपन्स बेसिकली। ओके, सो मैंने पूरा 40 ml डाल दिया है। सो इफ़ यू कैन सी, ये ना अभी तक गीला है, मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज़ लिटरली वेट, ये अभी तक वेट है। अगर मैं ये छोटा सा पेपर लेती हूँ और ये अभी मैं इसके ऊपर रखती हूँ एंड आई जस्ट प्रेस देम, तो आप देख पाएंगे कि दिस इज़ टोटली वेट, ये पूरा वेट हो चुका है। एंड ऑन द अदर साइड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू दिस कि दिस इज़ नॉट वेट एट ऑल। सो दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस। अदर कि दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस, राइट, तो सेकेंड फ्लो भी होगा ही। आजकल की जो लड़कियाँ हैं दे ट्रैवल सो मच, दे वर्क अलॉट, सो सेकेंड फ्लो में अगर चेंज करने नहीं अगर चांस मिला तो मैंने और 40 ml लिया है जो मैं वापस मार्केट के सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डाल रही हूँ। सो लेट सी द डिफरेंस कि ये तालाब सोख पाता है या नहीं एज पर एडवर्टाइजमेंट्स, द इंडियन एडवर्टाइजमेंट जो बताते हैं कि सोख लेता है। सो लेट सी दैट ऑल्सो। सो मैंने अभी वापस 40 ml इसमें लिया है और ये मैं वापस हमारे ब्रांड का जो सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर डाल रही हूँ। ओके, सो मैंने पूरा 40 ml इसमें भी डाल दिया है। सो अब अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो इसने पूरा तालाब सोख लिया है गाइस। यू कैन सी द लीकेज जो साइड से हो पा रहा है। इसने 40 ml में ही ये पूरा वेट था, मैंने इसमें और 40 ml डाला, टोटल 80 ml, तो इसने 80 ml भी नहीं लिया। एंड यू कैन सी कि ये गिर रहा है, साइड लीकेज है। अगर मैं रात भर भी ऐसे लेके बैठूंगी तो इसमें से लीकेज होगा, दिस इज गारंटीड एक्चुअली। एंड यू कैन सी दिस, एक बूंद पानी के नीचे नहीं गिरी है। और दिस इज़ टोटली ड्राई, ये अभी भी पूरा ड्राई है। सो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। सो अगर कोई भी लड़की अगर ट्रैवल कर रही होगी तो बेसिक जो है अगर वो ज़रा भी मूवमेंट करेगी, सो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि, और ये सभी के साथ होता है लाइफ में एक बार, बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ भी होगा। बिकॉज दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन जो हम लोगों को नहीं पता है बेसिकली, और क्या डिफरेंसेस है हम इसे और क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ ऑल अबाउट 3 layers, इसमें 3 layers है। सो मैं आपको क्लियरली ये दिखाना चाहूँगी, इसलिए मैं इसे सीज़र से कट करती हूँ कि आप इसे क्लियरली इसके 3 layers देख पाए, क्योंकि अगर मैं हाथ से रिमूव करूँगी तो आपको जैसे मैं 3 layers जो मुझे दिखानी है वो नहीं दिखा पाऊँगी। सो यू कैन सी कि यहाँ पे 1, 2, 3 layer है। तो ये 3 layer क्या है वो भी अभी
मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ. एंड होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर दिस विद योर फैमिली. मैं जो भी आपके गर्ल्स होंगे, मम्मा होंगे, सिस्टर्स होंगे, आई वुड लाइक इफ़ यू शेयर दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो. सो मैं अभी इसका जो फर्स्ट लेयर है मैं अभी वो निकालती हूँ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड यू कैन सी दिस इज, आई डोंट नो आपको मेरी ये आवाज़ आ रही है या नहीं, बट दिस इज़ प्लास्टिक जो हम बचपन में जो लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बलून फुला के जो करते हैं ना, यू कैन सी दिस, दिस इज़ प्लास्टिक और इतना बैड क्वालिटी का है कि मुझे तो हाथ में भी मैं नहीं ले सकती इसे. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर बेसिकली जो प्लास्टिक है. सो द सेकेंड लेयर आई हैव इज़ अ कॉटन स्ट्रिप जो पूरी गीली है एंड दिस इज़ वेरी बैड क्वालिटी क्योंकि ये लाइक ये फट भी नहीं रही है मुझसे. और कॉटन का तो कपड़ा आपको पता है इसमें बहुत मुझे फोर्स लगा कि इसको लाइक ये करना पड़ रहा है. सो दिस इज़ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ यू नो कॉटन. एंड ये सेकेंड लेयर जो थी उसी में ये एक लेयर थी जिसको बोलते हैं ना अल्ट्रा जेल, जैसे कि मैंने अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ. दिस अल्ट्रा वाला जो था वो मैंने एक्सेल वाला लिया था एंड इसमें जो ये लेयर थी आई कैन नॉट टेल यू कि इतना यक वाला है बिकॉज ये पूरा चिप चिप है और इस कॉटन में तो कुछ दम ही नहीं है क्योंकि ये पूरा वेट है, इसमें से अभी भी पानी निकल रहा है. और जो हमारी लास्ट लेयर थी ये वाली, सो आई वुड लाइक टू शो यू दिस एज वेल. यू कैन सी ये क्या है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी प्लास्टिक है. सो टेल मी गाइस कि ऊपर की जो लेयर है वो प्लास्टिक, लास्ट लेयर है वो प्लास्टिक, ऑक्सीजन आएगा जाएगा? ये भी आपको मेरे से अच्छा पता होगा कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगी एक लेडीज़ की. और दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू हेल्थ, मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगी. सेकेंडली मैंने आपको ये दिखाया उल्टा करके. ओके, अगर मूवमेंट भी अगर किसी की होती है तो भी यू कैन सी दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ. ओके, सो अभी मैंने ये बताया था आपको कि इसकी जो लेयर्स है वो आठ लेयर्स का ये वाला जो सैनिटरी नैपकिन है, दिस इज़ ऑल अबाउट एट लेयर्स. सो व्हाट आर दिस एट लेयर्स, सो लेट्स चेक दैट. ये भी मैं सेम एज इट इज़ ही कट करूँगी बिकॉज आपको मैं एट लेयर्स इसकी कम्प्लीटली दिखा पाऊँ कि इसमें कितनी लेयर्स है और नहीं. ओके, सो मैंने अभी यहाँ से इसको ऐसे रिमूव कर लिया है और इसमें कितने लेयर्स है आप देख, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं, फोकस. ओके ओके, सो अभी हम ये भी पूरा इसका भी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि ये जैसे कंपनी कहती है, जैसे इसे डिस्क्राइब करती है, क्या ये वैसा ही है या नहीं. ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट लेयर जो है इसकी, मैं वो रिमूव करूँगी. तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, जब मैं इसको फर्स्ट लेयर निकालूंगी तो कैसी आवाज़ आती है. ओके, सो यू कैन कम्प्लीटली सी, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें माइक्रो होल्स है एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राई एंड सी. अगर आपको पता होगा कि कॉटन का कपड़ा जब हम फाड़ते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी ही आवाज़ आती है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेयर जो पूरी ड्राई है. सेकेंड वन इज़ अ वेरी स्पेशल लेयर वी कैन से, और दिस इज़ द बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज़ एंटी ऑक्सीजन निगेटिव आयन चिप. सो दिस इज़ द मेन एंड पेटेंट, दिस इज़ अ पेटेंट चिप वी हैव एंड इसी से जो जितने रिजल्ट्स है या जितने एक्सपीरियंस है इसी से बेस्ट आता है बिकॉज इज़ अ वेरी स्पेशल वन. एंड ये क्या काम करती है, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें भी माइक्रो होल्स है. जैसे जैसे दिस चिप्स गेट्स वेट दिस स्टार्ट्स एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो 30-40% ये बॉडी में फ्लो करवाती है जिससे वी हमें अच्छा लगता है, फ्रेश रहते हैं हम लोग. सो दिस वॉज द सेकेंड लेयर. ओके, सो अभी तो थर्ड लेयर है, अभी हम वो
रिमूव करेंगे। ये भी आपको काटते समय आवाज़ आ रही होगी, तो इसमें भी इफ़ यू कैन सी, अगर आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स है फॉर पासिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ड्राई, दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राई एंड दिस इज़, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉटन है। एंड यू कैन सी, ओके, सो दिस वॉज आवर थर्ड लेयर। फोर्थ जो लेयर है उसमें हमारे पास जेल है। सो ये जो जेल है मैं ये आपको वाटर में डाल रही हूँ एंड यू कैन सी ये डिजॉल्व हो गया। यू कैन सी दिस गेट्स डिजॉल्व इन द वाटर वेरी इजीली। एंड कंपनी सेज कि जो एक सैनिटरी नैपकिन है दैट टेक्स अराउंड 250 ml का वो जो लिक्विड है वो ले सकता है। सो लेट्स चेक दैट फर्स्ट। तो मैंने ऑलरेडी इसमें 80 ml ऑफ वाटर डाला था, प्लस इसमें जितना भी जेल में जो भी कन्वर्ट हुआ है मैं ये सब, ओके, सो इसमें ऑलरेडी मैंने 80 ml डाला था, प्लस इसमें ऑलरेडी 100 ml ऑफ से भी ज़्यादा पानी था। सो देखते हैं कि ये एब्जॉर्व कर पाता है या नहीं पाता है। प्लस ये जो है ये बहुत ठंडा है बिकॉज दिस इज़ मेड अप ऑफ एलोवेरा एंड बनाना पल्प से बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही कूल फीलिंग देता है। सो दिस, मैंने ये पूरा ग्लास इसे भर दिया। सो लेट्स, इसे हम थोड़ा टाइम देते हैं कि ये एब्जॉर्व कर पाता है या नहीं। सो अभी इसमें जो फिफ्थ लेयर है वो भी हम निकालते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर फिफ्थ लेयर जिसमें यू कैन सी सम माइक्रो होल्स फॉर ऑक्सीजन के लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो प्योरली कॉटन। ओके, दिस वॉज आवर सिक्स्थ लेयर गाइज। सो अभी जो सेवेंथ लेयर है, ये जो दो कॉटन टिश्यूज़ की जो पट्टियाँ होती है, ये दो कॉटन टिश्यूज़ की पट्टियाँ है। ओके, इसमें भी माइक्रो होल्स है फॉर, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राई, कि ये सेवेंथ लेयर है बट ये पूरी ड्राई है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। प्लस ये देखो कि कॉटन का कपड़ा जब फटता है ना तभी हमें समझ में आता है, राइट। सो दिस इज़ आवर सेवेंथ लेयर। एंड जो एट्थ लेयर है इसमें भी आप देख पा रहे हैं कुछ लाइन्स, यस, सो यू कैन सी दिस लाइन्स। इसमें भी एक छोटे छोटे माइक्रो होल्स है और ये भी मैं अभी आपको फाड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक होता तो ये ऐसे नहीं फटता। एंड अल्सो इसमें जो गम है दैट इज़ फ्रूट गम, दैट इज़ जो अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं है कि कुछ हार्मफुल है। सो दिस वॉज आर सैनिटरी नैपकिन। सो आई वॉन्ट, एंड ये जो मैंने ग्लास में डाला था, यू कैन चेक दिस आउट, इसमें से कोई पानी भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि इसने पूरा पानी जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया है। सो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक यू शुड मेक दिस चॉइस कि ये सैनिटरी जो नैपकिन है ये बीमारियां लाता है एंड ये जो सैनिटरी नैपकिन से ये बीमारियां भगाता है। सो यू हैव टू चॉइस व्हाट प्रोडक्ट यू शुड यूज़ एंड व्हाट यू शुड यूज़ एंड व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग यू शुड बी श्योर अबाउट इट। सो ये था हमारा, ये था मेरा डेमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली। अल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि ये जो पैकेट है इसके अंदर, एवरी पैकेट के अंदर इसमें एक वेजिना हेल्थ टेस्ट कार्ड आता है कुछ इस तरह से। तो व्हाट इज़ दिस, लेट्स चेक दैट एज वेल। क्योंकि आजकल WHO का ये कहना है कि हर 7 मिनट में एक लेडीज़ की डेथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। एंड अगर हम चेक के करने भी जाते हैं तो उसका भी बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट होता है। सो लेट्स चेक दिस। एंड इसमें कुछ आपको इस तरह से किट आती है। सो एक तो ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप्स होते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू कि पीरियड्स के फिफ्थ डे पे जो वाइट डिस्चार्ज होता है तो वो इस पे लेना है एंड इस पे अप्लाई करना है एंड इसे 1 मिनट का टाइम देना है। तो आफ्टर 1 मिनट द कलर विल चेंज एज दिस इज़ अ लिटमस पेपर, सो इसका कलर चेंज होगा। तो अगर इसमें से जो है फर्स्ट, अगर आपका ये जो येलो कलर है अगर ये आता है तो ये और नॉर्मल,
अगर थोड़ा डार्क कलर आता है, जैसे कि ये दो कलर अगर आते हैं, तो यू हैव स्टार्टेड इन्फेक्शन, आपको स्टार्ट हो चुका है. सो यू कैन यूज़ दिस सैनिटरी नैपकिन एंड यू कैन रिकवर इट. एंड ये जो लास्ट के तीन कलर्स है, सबसे डार्क जो है, अगर ये तीन कलर्स में से कोई आता है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज आपको मेजरली कुछ यूटरस का प्रॉब्लम है. सो दिस इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट कि हम हर महीने खुद को चेक कर सकते हैं कि वी आर इन इन्फेक्शन जोन और नॉट. सो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक एक्साइटिंग रिजल्ट जो है वो बताना चाहूँगी मेरी फैमिली का. सो माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम यूट्रस कैंसर एंड शी वाज हैविंग दिस कलर. ओके, सो दिस हेल्ड दिस वी डन इन 2017 में मम्मा को यूट्रस रिमूव करने के लिए बोला था, बिकॉज इट वाज वेरी डेंजरस कि अब नहीं रख सकते थे. एंड शी यूज़ टू हैव सो मच ऑफ लाइक एवरी थ्री मंथ्स शी यूज़ टू गेट एडमिट and all this, so we were all disturbed, घर में सब disturb हो गए थे. and this was and उसके बाद 2017 में my mom started using this sanitary napkins basically and I gave her this and she used it for 8 months, only 8 months उन्होंने use किया. and उनका जो result है वो इतना अच्छा आया कि 8 months के बाद they have to like they were she was normal. एक एबनॉर्मल पर्सन थी जिसे बोला था कि आपको ऑपरेशन करके आपका यूट्रस रिमूव करना है, और 8 months बाद जो रिज़ल्ट आया दैट वाज नॉर्मल. तो आप आपको पता नहीं कि मैं कितनी खुश थी, क्योंकि एवरी 3 months में मेरी मॉम को एडमिट करना पड़ता था फ्रॉम ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई करंट सिटी. जो मेरा करंट सिटी है इत्सलगंज, यहाँ से 30 to 40 किलोमीटर अवे माई मॉम यूज़ टू गेट एडमिट एवरी 3 months में. एंड उसके बाद जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया एंड मैंने जब यूज़ किया, मम्मा को करवाया, सो उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया कि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट. एंड इसके बाद मैंने काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस में इसे प्रमोट किया है, काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रमोट किया है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स को बताया है या मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज को बताया है. सो I want everyone to be aware of what you are using. Basically, मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, ऐसे हम everyday कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, you should think on it. And so yes, this was the special video कि you should save women, save girls from a silent killer. Because this brands or this other market products are silently killing the girls around you, the sisters, the mothers. And yes, even if a boy is watching this, so I would like to tell you कि आप इसे दिखाओ आपके parents को आपके घर में. and इसमें ये जो products है ये बहुत shiny है, इसलिए ज़्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करता. so first time मैंने through a video ये बताने की कोशिश की है and I'm promoting this and I'm doing well in this. And thanks to all the members, all the mentors who is guiding me here. First, I would like to thanks my mom, my dad, that they are supporting me, and my family, my brother, and my friends who are supporting me in this like mission that we have started, that save women from silent killer. Also, thanks to all the mentors who are supporting me, that is Mrs. Trupti Murania ma'am, SS Gupta sir, Kiran ma'am, and Mr. Sheikh Abuzet sir, Mr. Pal Vivasnayak sir, who are the mentors who taught us, who जिन्होंने हमें इतना सिखाया और इस काबिल बनाया कि हम ये लोगों तक पहुंचा पाए, कि अगर इससे एक भी लेडीज़ की जान बचती है तो दैट इज़ अ वेरी ब्लेसिंग फॉर मी. सो येस, so that's it for the video. I hope you like the video, and if you like the video, just like, share, don't forget to share it with your friends, share it with your family, share with your friends, share with as much as people, as much as girls you can. And comment down below if you have any query, you can comment down below, or you can message me on my Instagram account or my Facebook page, that is Instagram ID I'll mention in my description box, and my Facebook ID as well I will describe it in my description box. And just hope you like the video. So thank you for watching me patiently, and thank you so much, and take care. Bye bye.